कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर शाम 5 बजे बैठक होने वाली है। इस बैठक में राहुल गांधी के वायनाड या रायबरेली सीट छोड़ने पर चर्चा होगी। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर, राहुल की वायनाड या रायबरेली सीट पर चर्चा होगी और नेता विपक्ष के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर शाम 5 बजे यह अहम बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इस बैठक में राहुल गांधी के वायनाड या रायबरेली सीट छोड़ने पर चर्चा होगी। और दूसरा एजेंडा जो सामने आ रहा है वो ये कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर भी मंथन हो सकता है। तो कांग्रेस की एक अहम मीटिंग होने जा रही है, शाम 5 बजे ये मीटिंग होगी। खड़गे के घर पर कांग्रेस की ये बैठक होगी जिसमें कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स जुड़ेंगे। और रवि त्रिपाठी जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए मेरे साथ, रवि से ही जानकारी ले लेते हैं। रवि, आपके पास क्या जानकारी इस मीटिंग को लेकर? नहीं देखिए, मीटिंग बुलाई गई है 5 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, और चूंकि इसमें तमाम पूरे गांधी परिवार के लोग रहेंगे, सोनिया गांधी भी इस बैठक में रहने वाली हैं, राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी भी। चूंकि देखिए, सोनिया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर इसमें चर्चा होनी है। राहुल गांधी अगर वायनाड सीट छोड़ते हैं तो क्या प्रियंका गांधी ही दावेदार होंगी, वही चुनाव लड़ेंगे या किसी और को दिया जाएगा वायनाड से चुनाव लड़ने का मौका, एक ये चर्चा है। चूंकि ये तय है लगभग कि राहुल गांधी रायबरेली रिटेन कर रहे हैं, वायनाड सीट खाली कर रहे हैं, ये लगभग तय माना जा रहा है। और वैसी स्थिति में कौन होगा तो परिवार का फैसला है, परिवार को भी फैसला लेना है और जो स्टेक होल्डर है उनको साथ रख के ये चर्चा होगी। केसी वेणुगोपाल भी उस बैठक में होंगे। साथ साथ ये भी आवाज उठी थी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कि राहुल गांधी को एलओपी का पोस्ट संभालना चाहिए, लोकसभा में विपक्ष का नेता का पद संभालना चाहिए। राहुल गांधी ने कुछ समय मांगा था, तो अब समय ज्यादा नहीं है। देखिए, 24 तारीख से हाउस शुरू होना है, 20-21 तारीख से हलचल शुरू हो जाएगी, आपके विपक्षी दलों की बैठक होगी, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष का नेता का नाम आपको देना पड़ेगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आज ये बैठक है। लेकिन सबसे पहला मामला वायनाड सीट छोड़ने को है या रायबरेली सीट छोड़ने को है, क्योंकि अब 14 दिन होते हैं। देखिए, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उससे 14 दिन के अंदर में आपको सीट छोड़नी होती है, अपने आप का स्थिति साफ करनी होती है। तो कल आखिरी डेट है राहुल गांधी के लिए बताने के कि कौन सी सीट से वो चुनाव सांसद बने रहेंगे और कौन सी को छोड़ेंगे। तो इस लिहाज से ये बैठक इंपॉर्टेंट है कि आज बैठक करके पार्टी अध्यक्ष ये तय करेंगे। देखा जाए तो दोनों ही सीटें राहुल गांधी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और दोनों ही सीटों पर एक लंबे मार्जिन के साथ राहुल गांधी ने जीत दर्ज की है, जो दिखाता है कि जनता को उनमें विश्वास है। खैर, आप नजर बनाए रखिएगा रवि इस खबर पर, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जीनी।